मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से 39.33 से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण जिले में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। दियारा क्षेत्र से लेकर करारी और मुंगेर शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहीं मुंगेर सदर एवं बरियारपुर प्रखंड जहां पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। हालात ये है कि एक ओर जहां गांव से एक बड़ी आबादी पलायन कर रही है, तो वहीं दूसरे गांव का संपर्क पथ से भंग हो गया है और विद्यालय व स्वास्थ्य केंद्रों में पानी घुस आया है। जिला प्रशासन ने तो 51 विद्यालयों को बंद कर दिया है ताकि किसी तरीके की अनहोनी न हो। दरअसल केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मुंगेर में गंगा डेंजर लेवल से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बताया जाता है कि प्रति घंटा 2 सेंटीमीटर के हिसाब से गंगा का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में अगले 2 दिनों तक इसी रफ्तार से वृद्धि जारी रहेगी। मुंगेर सदर प्रखंड के कुतलुपुर, जाफरनगर एवं टीकारामपुर पंचायत बुरी तरीके से बाढ़ग्रस्त हैं और चारों ओर पानी फैल गया है। बाढ़ का पानी इन पंचायतों के गांवों में फैलने के कारण जहां गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क भंग हो गया है, तो वहीं गांवों में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। जबकि बरियारपुर प्रखंड के गंगापार, हरणमार एवं झौआ बहियार पंचायत भी पानी से बुरी तरीके से घिर चुका है, जबकि गांव में भी पानी घुस गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में पानी घुस आया है, जिसके कारण एक ओर जहां बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकांश परिवारों ने छतों पर शरण ले रखी है। बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ ही उसका फैलाव भी जारी है। इतना ही नहीं, मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के लाल दरवाजा, पटना रोड, दुमंठा घाट ईंट भट्टा, हेरुदियारा, करबल्ला, चायटोला, शिवनगर सहित दर्जन भर मोहल्लों में पानी घुस आया है। अगर पानी बढ़ने की रफ्तार यही रही तो शुक्रवार को लाल दरवाजा मुख्य सड़क पर पानी हो जाएगा। साथ ही कई विद्यालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में पानी घुस आया है। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने सदर एवं बरियारपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित कुल 51 स्कूलों को अगले 3 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया है। अब विद्यालय 21 सितम्बर तक बंद रहेगा। ग्रामीणों ने बताया है कि पानी एकाएक बढ़ गया है। कब से घुसना शुरू हो गया आपके घर में पानी? काल से। क्या बजे से? 3 बजे से। दिन रात में? दिन में। अभी क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति बदल किया हमने जी। कैसे रह रहे हैं? कैसे रहे जे माल जाल छे पानी में जी। पानी में खिलवाई छे, पानी में रखाई छे। और कुछ? और कुछ? की नाम भले अपने के? शांति देवी। कौन सा मोहल्ला छे? लाल दरवाजा। आपके मोहल्ले की? मोहल्ले का तो स्थिति बहुत गंभीर है। घर द्वार में जाने आने में दिक्कत हो रही है। साफ सुंदर घर से निकल रहा है, खाने बाने पानी पीने का भी दिक्कत हो रहा होने जा रहा है। इतना पानी है आप? अभी भट होना पानी है। क्या क्या और दिक्कतें हो रही है आप लोग? बहुत दिक्कत है, बहुत तरह का दिक्कत है। खाना पानी, नोढ़गान, लकड़ी जलावन, बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है। आने जाने में सबसे ज्यादा आने जाने में दिक्कत हो रहा है। घर में भी पानी डूब गया है। कल से पानी भरना शुरू हुआ है। कल दोपहर से पानी स्टार्टिंग है भरना। रफ्तार क्या? रफ्तार एकदम पूरे रफ्तार है। घंटों में एक बित्ता बढ़ता है, एक बित्ता से ज्यादा बढ़ता है। यही हाल रहा तो तब तक हमारा मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? युगल यादव। युगल यादव जी। युगल यादव कहाँ करवा? लाल दरवाजा, यादव टोली रोड। झेलते हुए हम सब रोड पर खड़े हैं। अब कोई भी प्रशासन हो, चाहे कोई मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, कोई भी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। हम आप सब से यही अनुरोध है, जो भी है उनको हम कहते हैं कि हमारा सुरक्षित आकर के देखिए हमारा क्या गति है, हमारे गांव का, परिवार का, बाल का, बच्चा का और कोई चीज़ का क्या परेशानी है, आकर के देखें। मेरा नाम दिनेश यादव। घर कृष्णा नगर। अभी आपके रास्ता पर पानी आ गया है? हमारे रास्ते पर भरी ठाना भरी जांग पानी। यहाँ जो कि मेन रोड हमारे गांव का है, उस पर पानी भरी जांग है। जाने आने में बहुत दिक्कत है। घर में पानी है, आप घर में जाके करेंगे क्या? हम सब रोड पर झुग्गी बना करके रह रहे हैं। धन्यवाद।